नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और आपको पता है हरी मेथी मार्केट में खूब बढ़िया मिल रही है, तो मैंने ये मेथी लेके धो के बारीक काट ली और इसके अंदर मैंने एक चने की दाल को बना लिया। चने की दाल आप देख सकते हैं, खिली हुई बिल्कुल चने की दाल, नमक हल्दी गरम मसाला डाल के इसको बॉईल कर लिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका कॉम्बिनेशन मेथी और चने की दाल का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल में मैं डालूंगी ये बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज थोड़ा सा ब्राउन होगा तो बाकी का सामान इसके अंदर डालते हैं। अब ये प्याज हो गई ब्राउन, तो इसके अंदर मैं डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट एक बढ़िया स्वाद के लिए, और इसमें मैं डाल दूंगी ये बारीक कटा हुआ टमाटर, और इसी के साथ मैं डालूंगी ये मेथी। बहुत ही बढ़िया बनती है मेथी चने की दाल, और उसको आप खाइए बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, तंदूरी रोटी के साथ, तो सर्दियों में ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगेगी और बिल्कुल कम तेल में बनने वाली हेल्दी डाइट है। अब देखिए ये मेथी हो गई तैयार, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग हम बाद में इसीलिए डालते हैं ताकि इसकी खुशबू रहे, और चने की दाल आपको पता है हींग के बिना हम नहीं बना सकते। अगर आप चने की दाल और मेथी को डायरेक्ट उबालेंगे तो दाल कड़वी हो जाएगी। इस तरह से दाल पहले बनाने से मेथी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर करूंगी फ्राई और थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर पानी। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये हमें ऐसे ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी चने की दाल मेथी सिक लगी, क्योंकि हमें इसको घोंटना नहीं है। चने का जो दाना होता है वो दाल में बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। तो ये देखिए, और अब मैं इसको पकाऊंगी लगभग 5 मिनट। अब ये देखिए बढ़िया दाल हो गई तैयार, तो मैं इसको अब खाली करूंगी और फिर हम लगाएंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो मैं इसको इस प्रकार एक डोंगे में खाली कर रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और सर्दियों में ये आपको फायदा भी बहुत करेगी। और अब हम लगाएंगे एक तड़का जिसके अंदर मेरे को डालनी है थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये हो गई हमारी चने मेथी की दाल तैयार। आज आप इसको एंजॉय करिए और मुझे बताइए आपको ये इंस्टेंट रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।